किशनपुर थाना क्षेत्र के महोली का डेरा मजरे महावतपुर असठ गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने रेप की घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल पूरा मामला उस वक्त का है जब पीड़िता के पिता रात के समय खेतों पर गए हुए थे। उस दौरान उस गाँव के रहने वाले 3 आरोपियों के द्वारा साजिशन पीड़िता को फोन करके बुलाया गया और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद उसे जान से मारने की कोशिश करते हुए कुएं में फेंक दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा देखे जाने पर पुलिस को इस बात की जानकारी देने के बाद पीड़िता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन मुजरिमों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही न होने के चलते आरोपी आए दिन पीड़िता के साथ गलत व्यवहार करते हैं और पीड़िता को जानमाल का भी खतरा बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि ऐसे आरोपियों पर पुलिस क्या कार्यवाही करती है या इस मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया जाता है। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? राम बाबू। माया। माया, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे कौन थाना लगता है? किसान। जिला कौन सा लगता है? फतेहपुर। अच्छा, ये पीड़िता आपकी कौन है? ये हमारे बेटी। आप उसके पिता हैं? उसके पिता। और आपका क्या नाम है? माया। आप उनकी कौन है? माता हूँ। आप उनकी माता है। आपकी बेटी के साथ क्या कैसे घटना हुई है? हम पानी लगाते रहे खेत में। कब लगा रहे थे? शाम को। 11 तारीख। कब? रात में? कब? शाम को चले गए। तो रात में आप लगा रहे थे? हाँ, रात में लगा। अच्छा, तो उसके बाद कैसे क्या घटना हुई? ये घटना हमारे लड़की को पप्पू बुलाया है फोन करके और उसके साथ गलत काम किए हैं। फिर उसको जो है गुलाब और जगरूप कुल्हाड़ी से काट के कुएं में बांध के डाल। थोड़ा तेज बोलो। नहीं, आपके लड़के को बुलाया, आपके लड़के के साथ गलत काम किया है? पप्पू ने किया है। इसके बाद फिर क्या उसको जो है मारपीट की गई है? पकड़ के उसको मारपीट कुल्हाड़ी से काट के बांध कर कुल्हाड़ी से मारपीट की गई है। अच्छा, और इसके बाद फिर क्या हुआ? उसको मारपीट करके कुएं में डाल दिया। अच्छा, कुएं में। तो आपके माँ संज्ञान में कब आया कि लड़की कुएं में? आपने कैसे खोजबीन की? हमको नहीं, सुबह जब पुलिस प्रधान पहुंच गए तब हम जाने पाए। अच्छा, आपके ग्राम के प्रधान कौन है? ज्ञानी। तो इसके बाद फिर आप थाने में गए, आपने FIR कराई? गए। तो FIR दर्ज हुई? नहीं सुनाई थी। कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनाई। तो पुलिस का क्या कहना है? हाँ बहन जी, आपका क्या नाम है? काजल नाम है। हाँ, कहाँ की रहने वाली है? पहाड़पुर असठ महोली डेरा। थाना किशनपुर। थाना किशनपुर। जिला फतेहपुर। अच्छा, तो आपके साथ ये दुर्घटना जो हुई है ये कैसे हुई है? किन लोगों द्वारा की गई है? जगरूप और गुलाब। आपके गांव के निवासी हैं? हाँ, गांव के। अच्छा, तो ये कैसे हुई घटना हुई? ये पप्पू ने बुलाए थे। पप्पू ने आपको फोन करके बुलाया था? फोन करके। 2 बजे रात को। 2 बजे रात। किस लिए, क्या कह के बुलाया था? बुलाए थे कि आप थोड़ी बात कर लें। अच्छा, इसके बाद आप गई तो फिर क्या हुआ? फिर गलत काम किया। आपके साथ गलत काम हुआ, इसके बाद फिर आपके साथ मारपीट हुई? फिर बाद में जब रूप गुलाब आए हैं, इन दोनों जने कुल्हाड़ी से मारपीट किए हैं। अब बांध के पैर कुएं में डाल दिए हैं। इसके बाद फिर आपके परिजनों ने आपको फिर निकाला होगा? सुबह जब भी निकाला होगा। तो इसके बाद थाना पुलिस में FIR के लिए दिया गया होगा? नहीं दिया गया होगा। आपको कोई याद नहीं? आपको पता नहीं? ये तो परिजनों से पूछताछ करेंगे इस संबंध में। तो ये घटना आपके साथ घटित हुई है, आज आप यहाँ पर कहाँ पर हैं? कानपुर में हैं आप? आपका इलाज चल रहा? फतेहपुर से KK न्यूज संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट।
जौनपुर में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद के द्वारा केयर डेंटल स्पेशलिस्ट रुहट्टा पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव प्रकाश मौर्य ने बताया कि आज पूरे विश्व में पान गुटखा दोहरा से कई व्यक्ति पीड़ित हैं। इस मौके पर विकास परिषद के अध्यक्ष अतुल जायसवाल, उदय कुमार सिंह भारत, मृगनाथ पाठक, अवधेश गिरी, सत्येंद्र अग्रही, नीरज तिवारी के साथ कई लोग मौजूद रहे। जी सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर गौरव प्रकाश मौर्य है, मैं जनपद जौनपुर में दंत चिकित्सक हूँ। सर, आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है आपका? आज हम लोग अपनी संस्था भारत विकास परिषद की तरफ से विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी के उपलक्ष्य में तम्बाकू निषेध गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे जनपद में मुख्य कैंसर के रोगी बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग यहाँ पे इसके अवेयरनेस एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें लोगों को हम लोग ये बता रहे हैं मुख्य कैंसर के क्या क्या प्रारंभिक लक्षण हैं। जैसा हमें पता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में, कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारे जनपद जौनपुर के कैंसर के रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस तरीके प्रोग्राम को करके हम लोग लोगों को प्रेरित करेंगे कि क्या क्या प्रारंभिक लक्षण हैं तब कैंसर के, जिसको वो पहले से ही पहचान के अपना इलाज सही समय पर करा सके, जिससे कैंसर जैसी भयानक रोग से मुक्ति मिल सके। हमारी संस्था की तरफ से कार्यक्रम लगभग हर जिले में हो रहा है। हर जिले में हो रहा है। ये कितना दिन कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम एक ही दिन का है, जिसमें हम लोग एक गोष्ठी करते हैं और अधिकतर लोगों को प्रेरित करते हैं। जो लोग इलाज कराना चाहते हो या जो लोग अपनी जांच कराना चाहते हो, उसकी फ्री व्यवस्था हम लोग अलग अलग सेंटर पे कर रहे हैं। जैसे आज हमारे सेंटर पे इसकी निःशुल्क व्यवस्था है, जिसमें लोग आके अपनी जाँच करा सकते हैं और अगर उनको ऐसे कोई लक्षण है तो उसकी दवाइयाँ हम लोग बताते हैं। जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बांदा में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ, जिस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य शहीद स्मारक भूरागढ़ में हुआ, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसमें बुंदेलखंड के दीवारी नृत्य, चौरी चौरा युद्ध की घटना को कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दिखाया गया। इस बीच जिलाधिकारी आनंद कुमार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम दीवारी नृत्य की टीम और पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह तिरंगा देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, सदर एसडीएम सुधीर, डिप्टी एएमआरएल, सीडीओ व पूर्व सैनिक सहित कई लोग मौजूद रहे। पांडे जी, शासन के निर्देशानुसार आज जनपद बांदा में भी चौरी चौरा शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम एक वर्ष चलेगा। जनपद बांदा में आज यहाँ भूरागढ़ में मुख्य शहीद स्मारक स्थल पर जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 21 अन्य शहीद ग्राम, शहीद स्थल, शहीद स्मारकों पर पूरे जनपद में ये कार्यक्रम नोडल अधिकारियों के देख रेख में पूरे उत्साह और सादगी के साथ मनाया जा रहा है। प्रातः से 8:30 बजे से बच्चों की प्रभात फेरी निकली है, उसके बाद 10 बजे राष्ट्रगीत का गायन किया गया है और इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। शाम को 6:30 बजे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यहाँ इस प्रांगण में बहुत ही उत्साह के साथ में बच्चों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने पूरे मनोयोग के साथ में प्रतिभाग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।